अपने प्यार को पाने के लिए बिना वीजा और पासपोर्ट के पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। सीमा को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। किसी को सीमा के भीतर जासूसों वाली पैनी नजर दिखी तो किसी को सीमा के खातिर सच्चे प्यार को पाने की ललक। हालांकि इन सबसे परे सीमा हैदर के बारे में एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि सीमा हैदर को फिल्म में काम करने का ऑफर मिला है। दरअसल कुछ दिनों पहले सचिन और सीमा के परिवार वालों ने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से उनके परिवार का कोई सदस्य काम धंधे पर नहीं जा रहा है। इस वजह से घर की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। घर में खाने पीने की चीजों के लाले पड़ रहे हैं। ये खबर जैसे ही बड़े पैमाने पर वायरल हुई और इसकी भनक उत्तर प्रदेश के नव निर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी को मिला, वैसे ही उन्होंने सीमा और सचिन के परिवार के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। आपको बता दें कि अमित जानी ने अपनी फिल्म प्रोटेक्शन हाउस जानी फायरफॉक्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म में काम करने का ऑफर सीमा और सचिन को दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि अमित जानी ने हाल ही में मुंबई में अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया है। मौजूदा समय में अमित जानी उदयपुर में हुई ट्रेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। अमित जानी की ओर से कन्हैया लाल साहू की हत्या पर बनने वाली इस फिल्म का नाम अ टेलर मिस्ट्री स्टोरी रखा गया है। इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख नवंबर की है। ऐसे में अमित जानी ने सीमा हैदर और सचिन मीरा को ऑफर दिया है कि अगर वो चाहें तो उनके प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकते हैं। काम के एवज में वो कपल को पैसे भी देंगे, इससे उनकी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमित जानी के इस ऑफर पर सीमा ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। वैसे आपकी क्या राय है सीमा के बॉलीवुड में काम करने को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।